हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम बनाते हैं चटपटा सा भेल। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक कटोरी लइया, आप इसको मुरमुरा भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है कटा हुआ खीरा, कटा हुआ प्याज, और यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे आलू भुजिया, और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे एक और नमकीन, आपके पास जो भी नमकीन अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, और फिर हम इसमें डाल देंगे काला नमक। इससे ना टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। इससे और चटपटा बनाने के लिए हमने इसमें डाल दिया है एक चम्मच चाट मसाला। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे नींबू। इसे बनाना बहुत ही आसान है और शाम के नाश्ते के लिए इससे ज़्यादा चटपटा कुछ हो ही नहीं सकता। और इन्हें क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से, ये देखिए एकदम रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम डाल देंगे ये जो है ना क्रिस्पी पीनट, और फिर इस पे हम डाल देंगे नींबू का स्लाइस, और यहाँ पे हम रखेंगे एक हरी मिर्च। जिसको तीखा पसंद है ना उसे हरी मिर्च तो और ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई